शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है, लेकिन हम भारतीय जानते हैं कि आजाद भारत के लिए एक ही नाम काफी है, वह है महात्मा गांधी। वही शख्स जिनके लिए हम गाते हैं, दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तो गांधी की 150वीं जयंती पर हम उम्मीद करते हैं कि हमें एक और चीज से आजादी मिल जाए, वो जो हमारे पर्यावरण को तिल तिल मार रहा है, वो जिससे हमारे वर्तमान को जितना खतरा है उससे कई गुना ज्यादा भविष्य को, वह जिसने इंसान को ही नहीं हवा पानी समुद्र पहाड़ पशु पक्षी से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक को बीमार किया हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं पारुल, आप देख रहे हैविट ऑल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्लास्टिक के खिलाफ मोदी की जंग से, क्या भारत को प्लास्टिक से आजादी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक देश को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने की योजना रखी है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से होगी। मतलब जहां देश गांधी की 150वीं जयंती मनाएगा, वहीं प्लास्टिक जैसे खतरनाक दुश्मन से मुक्त होने के लिए भारत एक कदम आगे बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस को दिए गए भाषण में लोगों और सरकारी एजेंसियों से देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की अपील की थी। देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के मकसद से एयर इंडिया ने प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का ऐलान किया है और दूसरी तरफ रेल मंत्रालय ने रेलवे में प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल पर फौरन हर संभव रोक लगाने का आदेश दिया है। और दूसरी तरफ अमेजोन इंडिया ने भी कहा है कि भारत में पैकेजिंग के लिए जून 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा। दुनिया के कई ऐसे देश और शहर है जहां प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है, जैसे जर्मनी का हैमबर्ग, फ्रांस, ताइवान और केन्या में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। अब हम बात करेंगे क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक। 40 माइक्रोमीटर या उससे कम स्तर के प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक के थैले, स्ट्रो, पानी की बोतल, कप, प्लेट्स और भोजन को सुरक्षित रखने वाले पैकेट सिंगल यूज प्लास्टिक के ही बने होते हैं, जो एक बार यूज करके फिर फेंक दिया जाता है। यह ना आसानी से नष्ट होता है और ना ही इसे रिसाइकलिंग किया जा सकता है, इसीलिए इसे सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। सेहत के लिए क्यों खतरनाक है सिंगल यूज प्लास्टिक। बिस्फेनॉल ए नामक रासायनिक पदार्थ की मदद से प्लास्टिक को कड़ा और सख्त बनाया जाता है और पेथलेक नामक रासायनिक पदार्थ की मदद से प्लास्टिक को नरम और लचीला बनाया जाता है। ये दोनों ही रसायन मनुष्य में प्रजनन क्षमता, लीवर का खराब होना, किडनी में पथरी और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को जन्म देते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक सिर्फ इंसान और पर्यावरण के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए भी जानलेवा है। सड़कों पर बिखरे प्लास्टिक को पशु खाते हैं और फिर बीमार होते हैं। कई बार इन पशुओं के पेट से किलो के हिसाब से प्लास्टिक भी निकलता है। प्लास्टिक के प्रदूषण से दुनिया भर में बढ़ रही है टेंशन। जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण विश्व के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में प्लास्टिक से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकना एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। प्रत्येक साल कई लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है, जो कि मिट्टी में नहीं घुलता मिलता है। इसीलिए विश्व भर के देश सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को समाप्त करने हेतु कठोर रणनीति बना रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक करीब 7.5% की ही रिसाइकलिंग हो पाती है, बाकी प्लास्टिक मिट्टी में मिल जाती है, जो पानी की सहायता से समुद्र में पहुंचता है और वहां के जीवों को काफी नुकसान पहुंचाता है। एक अध्ययन के अनुसार समुद्र में प्लास्टिक कचरे के रूप में 5000 अरब टुकड़े तैर रहे हैं। सिर्फ 1% प्लास्टिक का कचरा समुद्र तल पर हमें दिखाई देता है, जबकि 99% समुद्र जीवों के पेट में या फिर समुद्र तल में छिपा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक समुद्र में मछलियों से अधिक संख्या प्लास्टिक की होगी। अगर हम भी हमारा भविष्य संवारना चाहते हैं और हमारी नई पीढ़ी को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो सिंगल यूज प्लास्टिक हमें यूज नहीं करना चाहिए। हमारे गुजरात में एक मुहावरा है, टीपे टीपे सरोवर भराए। अगर हम सब लोग भी इस अभियान में थोड़ा थोड़ा सहयोग देंगे, तो हम भी भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से आजाद कर देंगे।
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ।